हेलो गुड मॉर्निंग हेलो, मैम। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ मैम, हेलो, गुड मॉर्निंग आ मैम। रही है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम, आ रही है। यस मैम। मैसेज करके बताइएगा क्योंकि हमको हमको नहीं आ रहा आवाज, इसलिए पूछ रहे हैं। ओके, आपको मेरी आवाज आ रही है बट मुझे नहीं आ रहा आवाज। वन सेकेंड, हेलो। दो मिनट वेट करिएगा, हम आते हैं हेडफोन चेंज करके। हेलो, ओके, तो हम लोग एक्सेल देख रहे थे और एक्सेल में हम लोग डेटा वैलिडेशन देख रहे थे। डेटा वैलिडेशन में हमने दो वैलिडेशन देखा था। पहला वैलिडेशन आपका था नंबर्स के ऊपर हमने देखा था, और दूसरा हमने क्या किया था कि टेक्स्ट लेंथ के ऊपर हमने डेटा का वैलिडेशन करके देखा था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जैसे हमने मैंने क्या कल बताया उस दिन बताया था कि अगर मोबाइल नंबर हमें लेना है तो उसे हम लोग किस तरीके से अरेंज करेंगे कि 10 डिजिट से वो ज्यादा मोबाइल नंबर मेरा एंट्री न ले। अगर मोबाइल नंबर का लेंथ अगर 10 डिजिट से ज्यादा है, एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करे कि उसको एक्सेप्ट नहीं करे। ओके, तो ये हम लोग कैसे करके देखेंगे, तो आज हम लोग ये करके देख लेते हैं। डेटा वैलिडेशन इस वाले सेल पे हम करते हैं। ओके, इस पूरे के पूरे सेल पे हम करते हैं।
डेटा वैलिडेशन देन डेटा वैलिडेशन वैल्यू हमें क्या लेना है, रेंज लेना है. ओके किस तरीके का वैल्यू लेना है, नंबर लेना है, होल नंबर. ओके बिटवीन यहां पूछ रहा है कि किस तरीके से हम लोग देंगे. ओके तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम रेंज और मिनिमम रेंज देना होगा कि मैक्सिमम रेंज मेरा क्या होना चाहिए और मिनिमम रेंज उसका क्या होना चाहिए. दोनों रेंज हम देंगे तो मैक्सिमम रेंज मेरा मिनिमम रेंज क्या होगा. अब यहाँ पे बात आती है कि हमें मिनिमम और मैक्सिमम दोनों रेंजों को क्यों डालना है. ओके एक मिनट, इसको हम बताने से पहले आप लोगों को फिर से एक बार हम बता देते हैं. मोबाइल नंबर भी हम बता रहे हैं, उसके पहले आप लोगों को जो हम पिछले क्लास में करके दिखाए थे, किसी सेल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ अगर हमें डिजिट लेना है या इन बिटवीन डिजिट लेना है कि 100 नंबर से ज्यादा डिजिट यहाँ पर क्या होना चाहिए, इंटर नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग कैसे उसका सेटिंग करेंगे. ठीक है, पहले उसको हम लोग देख लेते हैं जो पिछले क्लास में दिए थे. मान लीजिए कि ये जो सेल है, इस सेल में हमें मार्क्स लेना है. ओके मार्क्स लेना है, यहाँ पे हमें मार्क्स ले लिया. अब हमें क्या चाहिए कि पहले तो हम सेल सेलेक्ट करेंगे. पहले भी हम बताए थे कि अगर एक्सेल में या फिर किसी भी हम अगर एमएस ऑफिस यूज कर रहे हैं, उसमें हमें अगर यूज करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ता है कि जिस एरिया में हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है या जिसके ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, उस एरिया को हम लोग सेलेक्ट करते हैं. ओके तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे. तो यहां से हमें कहां तक लेना है, इस 12 तक हमें क्या करना है, डेटा वैलिडेशन लगाना है होल नंबर बिटवीन में ही डालना है हमें. बिटवीन में कितना डालना है, 0 मिनिमम और मैक्सिमम डालना है हमें 100. ओके देन है आपका इनपुट मैसेज में क्या था कि जब हम इनपुट कर रहे होते हैं, यानी कि जब भी हम इस वाले सेल पे रहेंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक छोटा सा मैसेज दिखेगा. जैसे कि मान लीजिए कि हम जब भी लेके जाते हैं व्यू के ऊपर या फिर ये किसी भी ऑप्शन के ऊपर में लेके जाते हैं, तो छोटा सा एक टिप के फॉर्मेट में आपको दिखाता रहता है कि ये कमांड हम क्यों यूज करते हैं. कुछ उस तरीके का ही इनपुट मैसेज आएगा. जैसे ही आप इस सेल के ऊपर आएंगे तो आपको वो मैसेज लिखा हुआ दिखेगा. ठीक है, तो यहां पर हम डाल देते हैं इंटर मार्क्स. ओके और यहां डाल देते हैं इंटर मार्क्स इन बिटवीन जीरो टू 100. आ गया. नेक्स्ट है आपका एरर अलर्ट में हम लोग क्या करेंगे, एरर अलर्ट में हमें एक एरर देना है. मीन्स कि मान लीजिए कि इन सारे सेल्स में, इस कॉलम में अगर हम कोई भी वैल्यू डालते हैं 0 और 100 से ज्यादा वैल्यू, मीन्स कि 100 से वैल्यू उसकी अगर ज्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाता है, तब ये मैसेज हमें अलर्ट करके दिखाएगा, एरर जनरेट करके दिखाएगा कि आपने जो वैल्यू डाला है वो गलत है. ओके तो हम लोग यहाँ पर क्या डाल देते हैं, टाइटल में इसका क्या डालेंगे, मार्क्स लिख देते हैं, MARKS मार्क्स. और यहाँ पर रखते हैं इंटर
इंटरवैल्यू वैल्यू इन बिटवीन इन बिटवीन जीरो टू हंड्रेड। ओके सारा कुछ मेरा हो गया देन। ओके अब देखिए सबसे पहले क्या था मेरा इनपुट मैसेज। इनपुट मैसेज में क्या बताया था कि जैसे ही हम इस सेल पे क्लिक करेंगे जो भी सेल हमने सेलेक्ट करके रखा था वहां पे ये क्या करेगा, पहले तो ये लिखा हुआ दिखाएगा इंटर मार्क्स इन बिटवीन 0 to 100, यानी कि इस सेल के बीच में हमें मार्क्स जो एंटर करना है वो 0 और 100 के बीच का होना चाहिए। मीन्स की वो 0 से 0 नहीं हो सकता है क्योंकि इन बिटवीन हम लोग लेते हैं तो फर्स्ट रेंज और सेकंड लास्ट रेंज जो है उस रेंज को छोड़ करके वो वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इंटर करा के देख लेते हैं, 0 इंटर लेते हैं इंटर। ओके देन हम 0 क्यों ले रहे हैं, मार्क्स है ना 40 इंटर 120 इंटर। देखिए आपका एरर जनरेट करके ये दिखा दिया इंटर वैल्यू इन बिटवीन 0 to 100, यानी कि 0 और 100 के बीच का ही आपको वैल्यू डालना है। मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 100 हो सकता है, इसके एक्स्ट्रा का वैल्यू हम नहीं डाल सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पर रिट्राई कर लेते हैं, रिट्राई करके हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू डाल लेते हैं 60 देन इंटर। ओके अगर आप चाहें तो और भी इसमें 12 तक था ना, और भी बहुत सारे आपके अलाउंस है कि किस तरीके का वैल्यू को हम अलाउ यहाँ पे कर रहे हैं, तो डेटा में किस तरीके का हम डेटा ले सकते हैं, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ओके ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इन इक्वल टू, तो हम किसी भी रेंज को ले सकते हैं एज पर योर नीड। आपका रेंज क्या है, आपका नीड क्या है, उस नीड के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं कि वहां पे डेटा को इंटर करवा रहे हैं। यहाँ पे एक टिक किया हुआ है इसमें इग्नोर ब्लैंक। इग्नोर ब्लैंक मीन्स कि सेटिंग हम किए हुए हैं कि अगर किसी वैल्यू किसी स्पेस को हम यहाँ से क्या करते हैं ब्लैंक छोड़ करके भी इंटर कर देते हैं तो क्या करेगा, ये एरर जनरेट नहीं करेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं कोई भी सेल मेरा खाली नहीं होना चाहिए, हर सेल में हमें डेटा डालना ही डालना है। ओके तो ये हम कैसे करेंगे, तो हम डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इग्नोर ब्लैंक इसको हम लोग अनटिक कर देंगे, अनटिक कर दिए देन ओके। अब हम क्या करते हैं कि यहां से हम इंटर डालते हैं, अलर्ट इसमें 3 टाइप का था, हम बता चुके थे स्टॉप, वार्निंग और इन्फॉर्मेशन। ये इन तीनों अलर्ट को आपको कब यूज करना है आपके नीड के अकॉर्डिंग, आपको जब भी यूज करना आप इसको यूज कर सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि जिस जहां पे आप इसको यूज कर रहे हैं वहां पे क्या इसकी जरूरत है। अभी हमने क्या किया था कि स्टॉप करा रहे थे, स्टॉप क्यों करा रहे थे कि वो क्या कर रहा था, हमें क्या चाहिए कि नहीं अगर आप वो गलत वैल्यू डाल रहे हैं तो आपको आगे नहीं भरना है जब तक आप उसको करेक्ट ना कर लो। वार्निंग में क्या होगा, वार्निंग में आपसे पूछेगा कि क्या आप जो वैल्यू डाल रहे हैं वो सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। अगर हाँ सही आप डाल रहे हैं, आपको यही वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं वहां पे यस और नो का ऑप्शन देता है वार्निंग अगर हम डालते हैं। और इन्फॉर्मेशन अगर हम डालेंगे तो इन्फॉर्मेशन के केस में क्या होगा कि वो बताएगा बस कि हाँ आपने जो वैल्यू डाला है आपके रेंज के अकॉर्डिंग वो सही नहीं है। तो इस वाले सेल पे हम क्या करते हैं इंफॉर्मेशन डाल के देख लेते हैं क्या ही देता है। इंफॉर्मेशन क्या दिया, इंटर वैल्यू इन बिटवीन 0 to 100। ओके ठीक है, लेकिन इसने क्या किया कि 120 को ले लिया, बस आपको इन्फॉर्म कर दिया कि आपको क्या करना है कि जो वैल्यू है आपका उस वैल्यू को 120 नहीं लेना है, यानी कि 0 और 100 के बीच के वैल्यू को लेना है। ओके
तो इस वाले सेल में हमें किसकी जरूरत है? इस वाले सेल में हमें स्टॉप की ही जरूरत है कि हमारे काम को वो स्टॉप वहीं पे कर दे, आगे वो हमको नहीं जाने दे। ये हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब हम लोग लिखते हैं टेक्स्ट वाला, देख लेते हैं। नेम, एन ए एमी नेम। डेटा वैलिडेशन, वैलिडेशन हम लोग को नंबर का देखना था, मोबाइल नंबर हम लोग कैसे डालते हैं। नेम का तो हमने पिछले क्लास में देख ही लिया था, उसको रहने देते हैं। मोबाइल नंबर का देख लेते हैं। ओके भाई, मोबाइल नंबर। ट्वेल्थ तक है। डेटा वैलिडेशन, डेटा वैलिडेशन, एनी वैल्यू, कस्टम। कस्टम में आएंगे तो हमें ये फैसिलिटी देता है कि हम अपना फॉर्मूला यहाँ पर इंटर करवा सकते हैं। ओके, फॉर्मूला हम लोग लेंगे इज इक्वल टू एंड एंड इन ब्रैकेट इज नंबर। इज नंबर आपका एक फंक्शन है। इज नंबर सेल कौन सा है? सेल का एड्रेस आपको बताना है। सेल कौन सा है मेरा? सी सेल है मेरा, C2। C2, ओके। देन क्लोज मीन्स कि हम ये बता रहे हैं कि इस वाले सेल में सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए? सिर्फ नंबर आना चाहिए। ओके, पहला तो हमने बता दिया कि नंबर के अलावा कोई वैल्यू नहीं ले, क्योंकि अगर हम मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो उसमें हमें टेक्स्ट तो डालना नहीं है। दूसरा, हम क्या ले रहे हैं? लेंथ, LEN, लेंथ। ये भी आपका एक फंक्शन है। इसमें हम क्या डाल रहे हैं कि C2 जो सेल है मेरा, उस सेल में क्या होना चाहिए? उस सेल में हमें क्या करना है कि जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो वैल्यू आपका इज इक्वल टू 10 होना चाहिए। ना 10 से कम ना 10 से ज्यादा, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए? इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने एंड यूज क्यों किया है? एंड एंड ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं? एंड ऑपरेटर क्या काम करता है कि जब हमारा दोनों वैल्यू ट्रू हो तभी वो काम करता है। मीन्स कि अगर दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड हो रहा है, किसी क्राइटेरिया को वो फुलफिल कर रहा है, तभी वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, एंड ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं। तो एंड ऑपरेटर में हमने क्या डाल दिया? इज नंबर C2, यानी कि C2 सेल में सिर्फ और सिर्फ नंबर जाना चाहिए। और दूसरा क्या? लेंथ C2 का होना चाहिए इज इक्वल टू 10। ओके, देन हम क्या करते हैं यहाँ पे? मैसेज अलर्ट रहने देते हैं, एरर अलर्ट डाल देते हैं, स्टॉप।
इंटर 10 डिजिट मोबाइल मोबाइल नंबर ओके आ गया। पहला हमें क्या करना है, 10 डिजिट हमें मोबाइल नंबर एंट्री करना है। तो पहला तो ये इसने दिया क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ क्या डाला था कि सिर्फ हमें इस सेल में नंबर चाहिए, तो हम नंबर डाल के भी देख लेते हैं, 2-3 नंबर फिर से दे दिया। क्या बोल रहा है ये, इंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर, सिर्फ हमें 10 डिजिट ही डालना है। फिर से हम रिट्राई कर लेते हैं, रिट्राई डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेंज था यहाँ पे हमने वैलिडेशन लगाया था, डेटा वैलिडेशन सेटिंग। अब यहाँ पे आप बोलिए कि मैम हम लोगों ने तो यहाँ पे सिर्फ C2 सेल दिया था, लेकिन हम लोग C2 के अलावा भी जितने सेल को हम लोग ले रहे हैं, तो ये क्यों वर्क कर रहा है, ये वर्क क्यों कर रहा है। हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट किया, हम लोग यहाँ मल्टीपल सेल का रेंज दे सकते हैं। आप रेंज वहां से सेलेक्ट करके उस रेंज यहाँ पर डाल दो, ओके। लेकिन हमने क्या किया था कि जब हम ये वर्क करते उसके पहले हमने पूरे सेल को सेलेक्ट किया, जिस कारण क्या हो रहा है, वैलिडेशन आपका कहाँ लग रहा है, जितने हमने सेल को सेलेक्ट किया वो सारे के सारे सेल पे लग रहा है। अब हम चेक कर ले रहे हैं कि क्या मेरा 12 के नीचे वाला जो सेल है, यानी कि C13 मेरा ये वैलिडेशन एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ओके। डेटा वैलिडेशन फॉर्म फॉर्मूला फॉर मोबाइल नहीं मोबाइल नंबर नहीं डालते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए यूज कर रहे हैं, हम किसी भी नंबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने मार्क्स के लिए यूज किया था, तो मार्क्स में हम क्या करेंगे कि मार्क्स का जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग फिक्स कर देंगे। लेकिन लेंथ अगर हमने फिक्स कर दिया तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपका मार्क्स तो 3 डिजिट में भी तो जा सकता है ना। मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 100 आ रहा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने मार्क्स क्या किया है कि 2 डिजिट तक ही उसको सेट करके रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, अमाउंट के केस में ये ले सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि हम अमाउंट डाल रहे हैं, 2 तरीके का हमने सेल क्रिएट किया हुआ है। पहले इसको लिख लेते हैं, कंट्रोल बी, इसको बिग ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं। ये आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिएगा, पिछले क्लास में भी हम लिखवाए थे फॉर्मूला, उन सारे फॉर्मूला को भी आप लोग
कहीं भी कॉपी में आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए वो ठीक रहेगा, आप लोगों को आसानी रहेगा इसको समझने में। ओके, ये फॉर्मूला है आपका किस लिए? नंबर वैलिडेशन के लिए, सिर्फ नंबर्स के लिए है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल है, इस सेल में हमारा कौन सा वैल्यू नहीं लेता है? लेटर्स नहीं एक्सेप्ट करता है, किसी भी तरीके के अल्फाबेट्स एक्सेप्ट नहीं करता है, और सिर्फ ये किस तरीके के वैल्यू को एक्सेप्ट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो क्वांटिटी है, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट्स है, वो आपका 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, हाँ, हम क्या बोल रहे थे, जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी भी तरीके का एक रिकॉर्ड मेंशन कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या करना है कि दो कैटेगरी बनाना है, ठीक है, दो लोगों, दो तरीके के पर्सन का हमें कैटेगरी बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, हम इम्प्लॉय का ही कैटेगरी बना रहे हैं, तो हमने दो कैटेगरी रखा हुआ है। एक में क्या है कि एक में हमने ऐसे इम्प्लॉयज को रखा है जिसका जिसका सैलरी, ओके, जिसका सैलरी का जो डिजिट है 5, मान लीजिए कि सैलरी हम उसको 10,000 दे रहे हैं, मैक्सिमम उनको हम क्या कर रहे हैं कि 9,000 दे रहे हैं, तो 9,000 दे रहे हैं, तो 9,000 में कितना डिजिट होगा? सिर्फ 4 डिजिट होगा। तो हम वहां पे ये वैलिडेशन लगा देंगे कि ये जो सेल है, इस सेल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, वो वैल्यू आपका क्या होना चाहिए? 4 डिजिट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस केस में क्या होगा कि मान लीजिए कि इन केस अगर हम बाय मिस्टेकन अगर हम टाइप कर रहे हैं, तो गलती से अगर हमने 4 डिजिट के जगह अगर 5 डिजिट डाल दिया, मान लीजिए कि 9,000 के जगह हमने एक और जीरो बढ़ा के 90,000 कर दिया, तो क्या होगा? लॉस हो जाएगा। तो इन सारे टाइप के वैलिडेशन से, मींस कि इन सारे टाइप्स के प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि डेटा वैलिडेशन हम लगा देंगे उस सारे सेल में। मींस कि ये जो सेल है एम्प्लॉय 1 के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ले लेते हैं EMP1। ओके, EMP1 में ये सारे एम्प्लॉयज जो आएंगे यहाँ तक 23 सेल तक, इसमें हम डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। डेटा वैलिडेशन कस्टम फॉर्मूला क्या था मेरा? फॉर्मूला ये था, लेकिन यहाँ पे सेल का नंबर आपका चेंज हो जाएगा, ई के जगह आपका। और अब यहाँ पे हम डालते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इंटर आ गया। यहाँ पे हमने मैसेज में कुछ दिया नहीं था अभी अलर्ट मैसेज में, कि अलर्ट मैसेज में आपको क्या मैसेज दिखाना है, इसलिए जो डिफॉल्ट आपका मैसेज रहता है द वैल्यू यू इंटर्ड इज नॉट वैलिड, अ यूजर हैज रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी इंटर्ड इनटू द सेल। ओके, ये जो इसका प्री डिफाइंड रहता है मैसेज अलर्ट के साथ में, वो आपका दिखा रहा है। ओके, और हम एक क्या चाहते हैं, एक हम ओके दूसरा हमने क्या बनाया, EMP2। और EMP2 में हमने क्या किया, 23 तक हमने डेटा वैलिडेशन लगा दिया क्या? फिर से कस्टम देन पेस्ट, और ये आपका है E2, देन ये भी आपका क्या है E2। और मैक्सिमम लेंथ, इसका मैक्सिमम लेंथ मान लीजिए कि इनका है आपका 5 डिजिट। ओके, देन अब यहाँ पे हम 6 डिजिट डालते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटर आया। तो इस तरीके के वैलिडेशन को अगर हमें यूज करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि डेटा वैलिडेशन को हम लोग एज पर योर नीड, आपको क्या नीड है, अपने नीड के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डेटा को वैलिडेट करा सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला है आपका इज इक्वल टू एंड इज नंबर आपका फंक्शन है। यहाँ पे जैसे कि इस वाले सेल में हम इज इक्वल टू लिखते हैं, इज इक्वल टू इज नंबर, हाँ यहाँ पर देखिए
इज नंबर, और इसको हम लोग क्लोज करके इंटर कर देते हैं. सॉरी, यहाँ पे आपको वैल्यू डालना है 20, इंटर. ट्रू. इज नंबर फंक्शन क्या करता है कि वो चेक करता है. चेक क्या करेगा, ये सारा फंक्शन अभी हम बताए नहीं है, आगे जब बताएंगे तो आपको पता चलेगा. इज नंबर फंक्शन क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है, इन दोनों नंबर में हमें चेक करना है, ठीक है, कि वो जो वैल्यू हमने उस सेल में डाल के रखा हुआ है, क्या वो वैल्यू नंबर है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू के जगह पे इस वैल्यू को हम हटा देते हैं यहाँ से, और इन दोनों सेल के एड्रेस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं. ओके, अब देन हम करते हैं इंटर. ये क्या कर दिया, फॉल्स बता दिया. क्यों फॉल्स बता दिया, क्योंकि इसको समझ में ही नहीं आया ना कि हमने क्या बोला. क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने रेंज डाला था वो रेंज कुछ इस तरीके का ले लिया था, लेकिन उसे क्या बताना था, उसे क्या चाहिए था, उसे सिर्फ और सिर्फ नंबर चाहिए था. लेकिन हम लोग इस तरीके का भी हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करके क्या चेक कर सकते हैं कि इन सारे सेल में जो डिजिट हमने डाल के रखा हुआ है वो नंबर है या नहीं है. ट्रू और फॉल्स में क्या करेगा, वो आपको बताएगा, या फिर ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं है. इन इन सारे को यूज करने के लिए आपके पास एक एक फंक्शन दिया हुआ है. पहले भी हम बताए थे एमएस एक्सेल क्या करता है, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस को आप क्या कर सकते हो, को यूज कर सकते हो. बहुत सारे मैथमेटिकल और डेटाबेस रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसको हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं. अच्छा, टाइम ओवर हो रहा है, रुक जाइए, अटेंडेंस हमको ले लेने दीजिए पहले. आप लोग का 12:15 में आज IBM PC का भी क्लास है, यानी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, ठीक है. तो सारे लोग, एटलीस्ट जितने लोग अभी हैं यहाँ प्रेजेंट, वो सारे लोग भी आप लोग प्रेजेंट रहिएगा उस क्लास में, क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाले हैं, डायग्राम बताएंगे. वो डायग्राम पूरे आर्किटेक्चर को समझने से पहले उस डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है. तो इसलिए आप लोग सारे लोग प्रेजेंट रहिएगा क्लास के टाइमिंग पे. ओके, ये फॉर्मूला आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है. तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही. ओके, ओके, देन हम लोग मिलते हैं 12:15 में.